हेलो माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं गवार फली की सब्जी। गवार फली की सब्जी बनाने के लिए हमने आधा किलो बिल्कुल कच्ची गवार की फलियां ली हैं, और इसे बनाने के लिए अन्य जो सामग्री इस प्रकार से हैं, तीन चार काचरे जिसे हमने छिल करके कट कर लिया है, दो प्याज, थोड़े लहसुन की कलियां और हरी मिर्ची ली है। तो चलिए हम आज इसे हम ऑयल फ्री सब्जी बनाएंगे। ग्वार की फली को आप उबाल कर भी बना सकते हैं, परंतु बिना उबाले सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्थी रहती है, इसलिए आज हम बिना उबाले ही बनाएंगे। ये कढ़ाई में हम जीरा डाल देंगे, जीरे की खुशबू से बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। जीरे को चटकने देंगे, जीरा चटकने लगा भी इसमें हम डाल देंगे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची, और इनको पकाएंगे दो तीन मिनट के लिए। मसाले को मिक्स कर लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे, और इनको हम दही के साथ में मिक्स कर लेंगे। दही के साथ मिक्स करने से मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए दही के साथ इसको मिक्स होने के बाद तीन चार मिनट के लिए रख देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबूदार सब्जी बनती है, बिल्कुल ओरिजिनल स्वाद। ये देखिए प्याज ब्राउन होने लगे हैं, अब हमने जो मसाला बनी है मिक्स किया उसको डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसे लगातार चलाना है। ये देखिए अच्छी ग्रेवी बन करके हमारे तैयार हो गए। अब इसमें हम गवार फली को डाल देंगे और इनको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब इसमें डाल देंगे हम कटे हुए काचरे। काचरे और ग्वार की फली की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, आप अपने किचन में इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ऑयल फ्री बनाने से बिल्कुल काचरे और ग्वार का स्वाद इसमें आपको आएगा। और अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम ढक्कन से ढक कर के इसको 5-7 मिनट के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जी हमारी पककर के तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऑयल फ्री सब्जी ग्वार फली की बनकर के हमारी तैयार हो गई है। आप भी अपने किचन में इस तरह से ये सब्जी आसानी से बना सकते हैं। ग्वार फली की ऑयल फ्री सब्जी बनाने की रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।